21 अप्रैल को सोनी टीवी पर प्रसारित कपिल शर्मा शो में आपत्तिजनक दृश्य दिखाए जाने पर शहर के एक जागरूक अभिभाषक सुरेश धाकर ने शिवपुरी जिला एवं सत्र न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था। दरअसल ये एपिसोड में अदालत का सेट लगाया गया था। सह कलाकार शराब की बोतल लेकर आता है और चखने की मांग करता है। ये दृश्य अदालत की गरिमा को भंग करता है। साथ ही इस दृश्य में वैधानिक चेतावनी भी दिखाई जानी चाहिए थी, जो नहीं दिखाई दी। इन दोनों मामलों में न्यायालय को वाद प्रस्तुत किया गया है। कपिल शर्मा और सोनी टीवी के निदेशक एमपी सिंह के खिलाफ आईटी एक्ट और आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। इस पर से न्यायालय ने 1 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख दे दी। इस मामले में अभिभाषक धाकर ने 24 अप्रैल को कलेक्टर और एसपी को मामला दर्ज किए जाने के लिए आवेदन दिया था। कपिल शर्मा एक शो आता है टीवी पे जो हंसी मजाक का है, और हंसी मजाक में फूहड़ता तो आती है, उसमें कभी कभी बच्चियों पर भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं। खैर, उससे ज़्यादा परेशानी मुझे उस समय हुई जब एक सीरियल आया था, उसमें कपिल शर्मा द्वारा अदालत लगाई गई थी और उस कोर्ट में अदालत में खुले में शराब का सेवन किया जा रहा था। काफ़ी जो कलाकार थे उन सबके द्वारा खुले में शराब पी जा रही थी, मांगी जा रही थी, पैक बनाने की बोल रहा था, चकना मांग गया था। ऐसे में उसमें कहीं भी पूरे एपिसोड में वैधानिक चेतावनी जो कानून द्वारा दी गई है, जारी की गई है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कहीं पर कभी भी नहीं दिखाई गई। इससे मुझे आपत्ति हुई।